अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो फ्रंट एक्सल का है। कुछ फ्रंट एक्सल के बारे में भी अब हम बात करेंगे। क्या होता है फ्रंट एक्सल? तो सब लोगों को पता ही है कि जो किसी भी व्हीकल के सामने का जो एक्सल होता है वो फ्रंट एक्सल कहलाता है। सामने जब देखेंगे जो सामने के जो फ्रंट वाले जो दोनों पहिए जिस पे लगे हुए होते हैं वो फ्रंट एक्सल कहलाता है। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, दोनों व्हील्स माउंटेड होते हैं। तो हमने बता भी दिया कि इसमें कि दोनों पहिए जो है उसके ऊपर क्या होते हैं, माउंटेड होते हैं। तो क्या हो गया, इसकी में इसकी पहचान क्या होगी? सामने से आप देखिए इसको, और इसका मतलब क्या हुआ, फ्रंट एक्सल का मतलब हो गया कि ओवर विच फ्रंट व्हील्स आर माउंटेड। तो जो फ्रंट व्हील्स होते हैं जिसके ऊपर माउंटेड होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा फ्रंट एक्सल। क्या काम है इसका, इसकी क्या करता है ये? तो इसकी बेसिक वर्किंग क्या है, अगर हम बोलें तो वर्किंग क्या है इसकी, क्या काम करता है ये? ये जो है इसका मतलब सामने का जो भी लोड होगा व्हीकल का, है ना, हॉरिजेंटल लोड हो या वर्टिकल लोड हो, है ना, या व्हीकल का इटसेल्फ अपना लोड हो सामने की तरफ वाला, पूरा वो इसी के ऊपर आता है। वो वही ये क्या करता है, बियर करता है, कंटेन करता है ना। तो पहला काम तो ये सबसे बेसिक काम तो यही हो गया इसका, यहीं से जान लीजिए आप कि कंटेन्स फ्रंट लोड, सामने वाला जो लोड होगा व्हीकल का फ्रंट लोड या हॉरिजेंटल लोड, और हॉरिजेंटल लोड और वर्टिकल लोड, वर्टिकल लोड हो गया है ना। हॉरिजेंटल और वर्टिकल को जो है हम बम्पी रोड पर देखेंगे कि बम्पी रोड पर ज़्यादातर ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लोड वहाँ पर मिलेगा, तो वहाँ पर ये करता है। तो इसका मेन काम तो सबसे प्राइमरी वर्क आप समझ लीजिए कि ये होता है। और दूसरा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, ये जो है बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्सनल स्ट्रेस, ये दोनों ये कम होगी इसके ऊपर, ये तब होगी कि जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है। तो जब इसके ऊपर ब्रेक, जब हम व्हीकल चला रहे होते हैं और एकदम से ब्रेक हम अप्लाई करते हैं, तो उस केस में व्हीकल के ऊपर ये जो एक्सल होते हैं उनके ऊपर बेंडिंग और टॉर्सनल दोनों तरीके के स्ट्रेस वहाँ पर आ जाते हैं, तो उनको ये एब्जॉर्ब करता है। तो दूसरा पॉइंट हम, ये मोस्ट टेक्निकल पॉइंट है इसका, तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब्स बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड टॉर्सनल स्ट्रेसेस। दोनों स्ट्रेसेस की कब, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स जो है अप्लाई कर दी जाती हैं उस केस में, है ना। लेकिन ज्यादातर आपको ये देखने को मिला होगा, अभी हमने आपको पीछे भी बताया था कि ट्रांसमिशन सिस्टम का केस, कि इसमें जो है पावर हम इस पे जनरली भेजते नहीं है, जो हमारी जो रेसिंग कार्स होती हैं या पहाड़ों पे चढ़ने वाली बहुत सी कारें होती हैं, जो हैवी वर्क करती हैं या जो मिलिट्री पर्पस में बनाई जाती हैं, उनमें जिनमें फोर व्हील ड्राइव होता है, फ्रंट और रियर दोनों पर जो है पावर ट्रांसफ़र होती है, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो जो मोस्टली जितनी भी व्हीकल्स होंगी उन सभी में जो ये जो फ्रंट व्हील या फ्रंट एक्सल्स होते हैं इनके थ्रू पावर नहीं सप्लाई होती, तो पावर इस पर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हम इसके थ्रू, है ना। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए इसको, जनरली पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय इट, पावर इससे ट्रांसमिट नहीं होती, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेड एक्सल, इसीलिए हम इसको डेड एक्सल बोलते हैं। और जिस एक्सल पर पावर जाती है वो एक्सल
रोटेट करता है एक्चुअल में, ये एक्सल नहीं रोटेट करता है यहाँ पर। तो इस केस में क्या होता है, ये जो है इसीलिए डेड एक्सल कहलाता है, जिस एक्सल पे पावर जाती है उसको हम लाइव एक्सल बोलते हैं। तो ये चीज़ उसको लाइव एक्सल के बारे में बहुत हम बहुत सारी बातें जब हमने डिफरेंशियल पढ़ाई थी और ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने बताई थी आपको। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अच्छा, ये किससे बना हुआ होता है, तो इसमें जो है ये मेड ऑफ स्टील ड्रॉप फोर्जिंग, स्टील ड्रॉप फोर्जिंग हैविंग 0.4% टू 0.5% कार्बन, है ना, 0.4% टू 0.5% कार्बन। कार्बन देखिए यहाँ पर कार्बन का जो परसेंटेज थोड़ा बढ़ा हुआ है वो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और निकिल एलॉय, निकिल एलॉय जो होगा, निकल एलॉय स्टील, है ना, ये इसमें जो हो जाएगा, इसमें भी कार्बन का परसेंटेज तो होगा ही होगा, साथ में 1.2 से 1.4% निकल होता है इसमें। तो ये इस तरीके से इसके अंदर किससे बना हुआ होता है ये भी आपको पता हो गया, और ये अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि कैसे ये चीज़ जो है। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी बात कर ली जाए आइए इसमें। अभी हमने आपको इसकी जो है बताई कि ये कहाँ 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 यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी बात। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम इसमें चाहते हैं कि आपको हम दिखाएं इसके जो है फिगर पहले दिखा देते हैं, तो उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं कंस्ट्रक्शन इसका होता क्या है और डिटेल बताएंगे इसका कंस्ट्रक्शन। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो फिगर दिखाई गई है इसमें जो है ये हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है टाटा ट्रक का। तो टाटा ट्रक में जो है आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये फ्रंट एक्सल असेंबली है, जिसमें जो है अभी असेंबली पूरी जो दिखाई गई है इसमें ब्रेक और ब्रेक ड्रम भी सब दिखाए गए हैं इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए हल्का सा ऊपर से नीचे झुका हुआ है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये आई सेक्शन में होता है, और ये क्या होते हैं जो इसके जो एंड्स होते हैं, ये जो एंड्स होते हैं ये या तो सर्कुलर सेक्शन के होते हैं और या तो एलिप्टिकल सेक्शन के होते हैं, और जो इसका जो एंड्स होगा यहाँ पर, है ना, और जो मिडिल पोर्शन होगा ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, इसको आप देखिए इसको यहाँ पर और थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करके रिजिड एक्सल बीम दिखाई गई है आपको, जो इसके एंड्स होंगे यहाँ के ये जो होंगे या तो ये सर्कुलर होते हैं तो एलिप्टिकल होते हैं। तो ये आप देखिए ये झुका हुआ थोड़ा सा ये, तो जो मिडिल पोर्शन है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, ये देखिए झुक गया है नीचे की तरफ, ये झुका हुआ होता है, ये हाइट जो चेसिस की जो हाइट होती है उसको लोअर करने के लिए, कि ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है या सेंटर ऑफ मास जो है गाड़ी का बहुत ज़्यादा ऊपर ना उठने पाए। तो उस केस में होगा क्या, अगर ज़्यादा उठ जाएगा तो ये जो गाड़ी के पलटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कि अगर थोड़ा सा भी जो रोड जो होगी अगर ऊपर नीचे कहीं पर हुई तो वो जो व्हीकल होती है वो पलट जाती है, या कार या ट्रक जो कुछ भी होगा। तो इसमें और ज़्यादातर जो लगाया जाता है वो रिजिड एक्सल बीम लगाया जाता है, देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से पहचाने यहाँ पर रिजिड एक्सल बीम, ये यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये रिजिड एक्सल बीम है, इसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रिजिड एक्सल बीम। तो अब हम समझते हैं कि आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आई गई होगी कि रिजिड एक्सल बीम क्या होता है। तो ये जो है झुका हुआ क्यों होता है, आई सेक्शन जो बता रहे हैं, देखिए आई सेक्शन में ये होता है, आप देख रहे हैं ये आई सेक्शन, इधर से आई सेक्शन में आएगा, है ना, और इसमें जो होता है क्या होता है कि दोनों एंड्स होते हैं वो इसके दोनों एंड पर स्टब एक्सल्स होते हैं, है ना, स्टब एक्सल्स जिसके साथ किंग पिन लगी हुई होती है ना, जो इसके जो रिजिड एक्सल्स हैं, रिजिड एक्सल है उसमें स्टब एक्सल कनेक्ट होता है किसके साथ, किंग पिन के साथ। किंग पिन भी हम दिखाएंगे, किंग पिन के बारे में भी बात करेंगे, उसके बारे में भी हम उसको भी दिखाएंगे। किंग पिन इंक्लिनेशन के बारे में पीछे हम बात कर चुके हैं आपसे, आप पीछे के लेक्चर में जाइए तो वहाँ पता चल जाएगा। और इसमें क्या होता है, तो ये जो फ्रंट व्हील जो होते हैं वो इसी वो जो इसके एंड पर जो स्टब एक्सल्स कनेक्टेड होते हैं किंग पिन के साथ, तो फ्रंट व्हील जो होते हैं वो उस स्टब एक्सल पर कनेक्टेड होते हैं, है ना, तो इसके जो एंड पर होंगे वो स्टब एक्सल होंगे
वो स्टब एक्सल, देखिए स्टब एक्सल बुश ये दिखाया गया यहाँ पर इसमें, है ना, ये स्टब एक्सल बुश है। तो इसके ऊपर यहाँ पर जो है ये इधर से जुड़ा हुआ होता है, इसके साथ व्हील कनेक्टेड होता है, इस पर नहीं कनेक्ट होगा, इसके साथ स्टब एक्सल कनेक्ट होगा और स्टब एक्सल के साथ फिर जो है वो व्हील्स कनेक्टेड होते हैं। बाकी सब आप देख रहे हैं इसकी जो है ये इसमें कंपोनेंट्स और भी दिखाए गए हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हमने आपको यहाँ पर बताए। तो आइए इसको कुछ हम लिख करके बता दें आपको थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आई सेक्शन अडॉप्ट किया जाता है, है ना, सेंट्रल रीजन पर। तो बेसिकली आई सेक्शन इज अडॉप्टेड ऑन सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन पर, ठीक है। एंड जो और एंड्स जो होते हैं, एंड हमने एंड्स के बारे में बताया था, वो कैसे होते हैं, सर्कुलर या एलिप्टिकल होते हैं। एंड एंड्स ऑफ सर्कुलर सेक्शन और एलिप्टिकल, भी कह सकते हैं, एलिप्टिकल सेक्शन सर्कुलर सेक्शन के होंगे या एलिप्टिकल सेक्शन के होंगे, है ना। तो ये हो गया, वो ऐसा क्यों, विच रेजिस्ट, वो टॉर्सन को रेजिस्ट करते हैं, विच रेजिस्ट टॉर्सन, वो टॉर्सन को रेजिस्ट करते हैं। तो मिडिल पोर्शन आपने देखा था क्या था, वो थोड़ा सा झुका हुआ था, थोड़ा उसके बारे में भी लिख दीजिए, बता दीजिए ऐसा क्यों होता है। वो इम्पोर्टेंट डिज़ाइन होती है उसकी, कि जो मिडिल पोर्शन जो झुका हुआ है, हैज डाउनवर्ड स्वीप टू कीप द लोअर हाइट ऑफ द चेसिस, टू कीप द लोअर हाइट ऑफ द चेसिस, चेसिस की हाइट को लोअर करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर ना जाए। तो हमने बताया था कि जो रिजिड एक्सल होता है उसके साथ स्टब एक्सल्स लगे हुए होते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने देखा था कि उसके एंड पर क्या होते हैं, स्टब एक्सल्स लगे होते हैं किंग पिन से, और उन्हीं पर जो होता है पहिए पहिए लगाए जाते हैं। तो टू एंड्स ऑफ द रिजिड एक्सल हैव द प्रोविजन ऑफ कनेक्टिंग स्टब एक्सल्स। अभी स्टब एक्सल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देते हैं हल्का सा, बाय मीन्स ऑफ ए किंग पिन द फ्रंट व्हील्स आर माउंटेड ऑन दीज स्टब एक्सल्स। जो फ्रंट व्हील्स होते हैं वो इन्हीं स्टब एक्सल के ऊपर माउंटेड होते हैं। द फ्रंट व्हील्स आर माउंटेड ऑन दीज स्टब एक्सल्स, है ना, इन्हीं स्टब एक्सल के ऊपर माउंटेड होते। तो बेसिकली आपको तीन बातें यहाँ पर आई, आई सेक्शन होता है सेंटर पे और उसके जो एंड्स होते हैं वो उसके ऊपर जो है सर्कुलर सेक्शन या एलिप्टिकल सेक्शन वो मिलेगा, और उससे बनाया जाता है जो टॉर्सन को रेजिस्ट करता है, सबसे बेसिक चीज़ हो गई। जो मिडिल पोर्शन होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ बनाया जाता है लोअर हाइट के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखने के लिए, जिससे चेसिस की हाइट को लोअर कर देने के लिए। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपने देखा था कि जो रिजिड एक्सल होता है उसके साथ स्टब एक्सल कनेक्टेड होता है किंग पिन के साथ, और स्टब एक्सल के साथ होता है पहिया लगा हुआ होता है, जो व्हील्स होते हैं वो माउंटेड होते हैं। थोड़ा सा हम स्टब एक्सल के बारे में बता दें आपको, स्टब एक्सल्स, है ना। तो स्टब एक्सल क्या होते हैं, जिनके जिन पर जो है ये फ्रंट व्हील्स कनेक्टेड होते हैं, ऑन विच
ऑन विच फ्रंट व्हील्स आर ऑन विच फ्रंट व्हील्स आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ किंग पिन बाय मीन्स ऑफ किंग पिन है ना। ये जो है जनरली बनाया जाता है मेड ऑफ, किससे बना हुआ होता है ये, 3% निकल स्टील एंड एलॉय स्टील इनसे बनाया जाता है ना। उसमें उसमें कभी कभी जो है उसमें क्या होता है, क्रोमियम और वेनेडियम भी मिला देते हैं थोड़ा सा, और उसका लुक अच्छा आ जाता है, स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं फ्रंट व्हील, ये जो स्टब एक्सल होता है वो कैसा होता है। अब यहाँ पर आप जो है दो स्टब एक्सल्स देख पा रहे हैं। एक स्टब एक्सल जो है देखिए ये यहाँ पर है, ये इस टाइप की जो डिज़ाइन होती है वो इलियट टाइप कहलाती है, और ये जो होती है वो रिवर्स इलियट टाइप डिज़ाइन कहलाती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये किंग पिन लगी हुई है, ये किंग पिन है, ये इसमें भी देखिए ये किंग पिन लगी हुई है ना। ये स्टब एक्सल है, किंग पिन के साथ जुड़ा हुआ है ये, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्रंट एक्सल बीम है, ये देखिए ये बीम यहाँ पर आई और इसके साथ ये एक्सल जुड़ा हुआ, इसी के साथ पहिया यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये फ्रंट एक्सल बीम है ये, और उसके साथ जो है यहाँ पर ये क्वार्टर पिन लगी हुई है, और इधर इसके साथ जो है ये आगे इस पर पहिया जुड़ता है। तो आप देखिए किंग पिन कैसे लगी हुई होती है और कैसे जो है इसके साथ ये लगा हुआ होता है। ये स्टब एक्सल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्टब एक्सल है इसका। तो ये जो है ये आप समझ गए होंगे इलियट और रिवर्स इलियट टाइप, ये दो तरीके के आपको यहाँ पर हमने दिखाए। तो हमारे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्रंट एक्सल होता है उसकी क्या डिज़ाइन होती है, किस तरीके से रखा जाता है, उसमें जो शेप्स दी जाती हैं वो अलग अलग सेक्शन पर कैसे दी जाती हैं, स्टब एक्सल कैसे लगा हुआ होता है, किंग पिन की क्या लोकेशन होती है, और पहिया कहाँ पर लगाया जाता है, या व्हील्स कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।